प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अहमद बशीर खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल यावत। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक सुगम भारती का पहली इकाई का 5वां सबक सुनो और गुनो पढ़ेंगे, जिसके लेखक नीरज जी। ये आधुनिक दोहे हैं। प्यारे बच्चों, कविता सुनो और गुनो की पहली पंक्तियाँ जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए। गांव में हूँ मझदार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। इस पंक्ति में कवि नीरज जी नाव के माध्यम से अपने दर्द का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि आज वो कमज़ोर है और इस मझदार में पड़े हुए हैं, आज उनका कोई सहारा नहीं है, यानी पतवार भी उनके पास नहीं है। पर उनके जीवन में एक समय ऐसा था तब उन्होंने अनगिनत लोगों को सागर पार कराया था। इस दोहे में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हुए नीरज जी कहते हैं, जो आज बिल्कुल अकेला है, उसका कोई मददगार नहीं है। उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने बेशुमार लोगों की मदद की थी और उनका जीवन अच्छा कर दिया था। प्यारे बच्चों, अब हम इस कविता की दूसरी पंक्तियों के दूसरे दोहे के बारे में पढ़ेंगे कि जब वो चारों ही तरफ घोर घना अंधिया, ऐसे में खतियों ही पाते हैं सत्कार। इसका भावार्थ हम देखेंगे कि कवि नीरज जी बोलते हैं कि वक्त वक्त की बात है, वक्त आने पर तुच्छ आदमी का भी महत्व हो जाता है और वो सम्मान सत्कार पाने लगते हैं। जब चारों ओर घना अंधियार छाया हुआ और कहीं से भी उजाला आने की कोई गुंजाइश ना हो, तो ऐसे में जुगनू की जगमगाती हुई रोशनी को भी महत्व मिलने लगता है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान ना हो, वहाँ समय आने पर मामूली योग्यता वाले की भी पूजा होती है, ऐसे लोग भी सम्मान के काबिल समझे जाते हैं। इस दोहे की तीसरी पंक्ति, टीवी ने हम पर किया युग छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुए बिना तीर तलवार। इसका भाव हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वो उसमें बिगाड़ होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूरदर्शन ने लोगों के घर में प्रवेश कर और संस्कार विहीन कार्यक्रम दिखाकर गुप चुप खामोशी से लोगों की संस्कृति पर प्रहार करके उसे विकृत कर दिया है। इस पंक्तियों के द्वारा नीरज जी ने हमें ये बात बताने की कोशिश की है कि आज हमारी जो संस्कृति खत्म हो रही है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं टीवी का ज़्यादा योगदान रहा है। दो तीन पंक्तियाँ, चौथा दोहे को हम देखते हैं, नंबर 4 का दोहा। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। इस दोहे के माध्यम से कवि नीरज जी कहते हैं कि जब से देश में दूरभाष यानी मोबाइल का अंधाधुन इस्तेमाल हुआ है, तब से लोगों के घर पत्र और तार आने बंद ही हो गए हैं। अब लोग दूरभाष पर बातचीत कर लिया करते हैं, दूरभाष से मुराद मोबाइल पर बातचीत किया करते हैं, पत्र भेजने की आवश्यकता उन्हें